नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में और मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। 20 अक्टूबर है, संडे का दिन है और आज राहु काल का समय आफ्टरनून का रहेगा, 4:15 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक का। ट्रैवलिंग के लिए कोशिश कीजिएगा इस समय को आप लोग अवॉइड करें। इसी के साथ अगर आप टैरो कार्ड से प्रेडिक्शंस देखें तो हमेशा अपना मून साइन फॉलो करेंगे क्योंकि कार्ड हमेशा आपकी इंट्यूशंस को फॉलो करते हैं। चलिए इसी के साथ अब बात करेंगे आज का दिन कैसा रहेगा, क्या उपाय करने हैं आपको। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि घर में, जैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ कुछ खास उपाय, कुछ खास टॉपिक्स के ऊपर हम बात करते हैं, तो आज का हमारा विषय जो है वो ये है कि घर में पेड़ पौधे अक्सर लोग लगाते हैं, लेकिन कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो इनडोर प्लांट्स होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो आउटडोर प्लांट्स होते हैं। लेकिन कई बार घर में ऐसे पेड़ पौधे लगाने से भी घर में नकारात्मक ऊर्जा जो है वो बढ़ जाती है, कई बार आपका व्यापार प्रभावित होता है, कई बार आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो इससे भावित होना शुरू हो जाती है। तो कौन से ऐसे पेड़ पौधे और किस स्थिति में जो पेड़ पौधे हैं वो आपको घर के अंदर यानी कि इंडोर्स में नहीं लगाने चाहिए, ये तो आप जानते ही हैं कि इंडोर प्लांट्स अलग होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि घर में जो कांटे वाले पौधे होते हैं वो लोग लगा लेते हैं। अब कांटे वाले पौधे में आप देखेंगे, एक तो कैक्टस प्लांट है जो कि अमूमन हर कोई जानता है कि कैक्टस प्लांट जो है वो घर में घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए खासतौर पर। लेकिन अगर आप देखेंगे रोज़ फ्लावर्स जो होते हैं उसमें भी कांटे होते हैं और रोज़ फ्लावर्स का पौधा या ऐसा प्लांट भी घर के अंदर नहीं लगाया जाना चाहिए। अगर ऐसे पौधे या ऐसे प्लांट्स आप घर के अंदर लगाते हैं तो आपके रिश्तों में ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं पे तनाव की स्थितियाँ पैदा हो जाएंगी, ऐसे आपके पर्सनल रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ टकरार होनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह के पौधे आपको घर के अंदर इंडोर्स में नहीं लगाने चाहिए। अगर आप देखते हैं कि आपने कोई पौधा लगाया हुआ है और बार बार वो सूख रहा है, मान लीजिए कोई इंडोर का ही पौधा आपने लगाया है घर के अंदर और बार बार वो सूख जा रहा है या बार बार वो ख़राब हो रहा है, वो उसके पत्ते जो है वो जल रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे पौधों को आपको उसी वक्त वहाँ से हटा देना चाहिए, क्योंकि ऐसे पौधे जो बार बार सूखते हैं वो एक तरीके से नेगेटिविटी को शो करते हैं और इसका सीधा सीधा असर आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर पड़ता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर ऐसे कोई पौधे सूख रहे हैं तो आप उसे तुरंत वहाँ से हटा दीजिए। अगर आपने देखा होगा कि कई बार जैसे ऐसे पौधे होते हैं जिसके अंदर से कुछ मिल्क एक्सट्रैक्ट या वाइट सब्सटेंस जैसी कोई चीज़ निकलती है, तो ऐसे पौधे भी घर के अंदर नहीं लगाए जाने चाहिए। ऐसे पौधे आप आउटडोर्स में घर के बाहर ज़रूर लगाए जा सकते हैं, लेकिन घर के अंदर लगाने से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। कई बार लोग बोनसाई प्लांट्स को घर में लगा लेते हैं। बोनसाई प्लांट्स जो होते हैं उनकी ग्रोथ बहुत छोटी होती है, यानी कि वो बड़ा पौधा जो होता है या फलदार जो पौधे होते हैं सेम चीज़ वो छोटे प्लांट्स में दे देते हैं, यानी कि ग्रोथ को रोक देते हैं। तो आप देखेंगे बोनसाई प्लांट्स अगर आप इंडोर्स में लगाते हैं, घर के अंदर लगाते हैं, तो ऐसा करने से जो हेड ऑफ़ द फैमिली होता है उनकी ग्रोथ भी रुक जाती है। इसका सीधा सीधा असर घर के बच्चों के ऊपर भी पड़ता है, उनकी ग्रोथ कहीं ना कहीं पे इससे इफ़ेक्ट होती है। बहुत मेहनत करने के बावजूद भी ऐसे बच्चों को या जैसे मैंने कहा हेड ऑफ़ द फैमिली, उनको रिजल्ट्स उतने बेहतर नहीं मिल पाते हैं। इसके अलावा हमने कई सारे पौधों की बात करी, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप अगर बेल्स यानी कि क्रीपर्स भी लगाते हैं तो क्रीपर्स भी हमेशा आपको सोच समझ के लगाने चाहिए और किस रंग के क्रीपर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं अब राशियों के साथ और बात करते हैं सबसे पहले एरीज की। द जजमेंट एंड क्वीन ऑफ वॉन्स रिवर्स कार्ड निकल रहा है, तो आज के दिन में महत्वपूर्ण कार्यों की चर्चा हो सकती है। अगर हो सके तो अपने काम को एक सही अंदाज में करने का प्रयास कीजिए, एक पॉजिटिविटी के साथ आप करने का प्रयास कीजिएगा। आपके लिए आज मन में संतोष रहेगा कि आपने जितना भी एफर्ट दी है अपनी तरफ से वो आपकी तरफ से 100% है, तो एक तरह से एक सेटिस्फैक्शन वाला दिन रहेगा और एक नए एक्सपीरियंसेस जो हैं आपकी लाइफ में एडअप हो सकते हैं। आज आपके घर की स्त्रियों की तरफ से आपको सम्मान ज़रूर मिलेगा, आपके काम की सराहना वो ज़रूर करेंगी, साथ ही साथ में आपकी मदर के साथ आपके रिलेशनशिप्स बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। उपाय क्या करेंगे, आज पीपल के वृक्ष के नीचे चौमुखा दीपक जलाना आपके लिए अच्छा रहेगा। वृषभ राशि की बात करते हैं, कार्ड निकल रहे हैं आपके लिए फाइव ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्स, तो आज के दिन में विदेश में जो आपके जान पहचान वाले हैं या आपके कोई मित्र हैं उनसे आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिल सकती है जो कि आपके दिन को बेहतर बनाएगी। लंबे प्रवास का आयोजन कर सकते हैं, लंबी यात्राओं के बारे में आप लोग सोच सकते हैं, किसी भी तरह के व्यापार के स्थल पर या फिर मे बी वर्क प्लेस पर आपके ऊपर थोड़ा सा वर्क प्रेशर ज़्यादा रहेगा, आपके सीनियर्स की तरफ से आपके पार्टनर्स की तरफ से आपको किसी बात के लिए बार बार किसी चीज़ के लिए अल्टीमेटम दिया जा सकता है। आर्थिक लाभ होने की संभावना तो बन रही है, लेकिन थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से
से एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ सकती है, यानी कि जितनी आप अभी तक एफर्ट कर रहे हैं वो मे बी आज के दिन के रिजल्ट्स अगर आप चाहते हैं तो उसके हिसाब से थोड़ी सी कम है। कुल मिलाकर देखा जाए तो दिन बेहतर है वृषभ राशि वालों के लिए, लेकिन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा फोकस रहने की ज़रूरत है। गुड़ और लाल पुष्प डाल करके सूर्य को जल देना आज अच्छा रहेगा। मिथुन राशि की बात करते हैं, कार्ड्स निकल रहे हैं टेन ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ पेंटैकल्स, तो आज का दिन जो है वो मिश्रित फलदायी रहेगा। हालांकि अधूरे काम आपके पूरे हो सकते हैं, स्वास्थ्य आपका बेहतर दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा क्रोध की वजह से हानि होगी, तो आज बहुत ज़्यादा गुस्सा मत कीजिएगा, दिमाग को अपने शांत रखिएगा। इसके अलावा शारीरिक और मानसिक रूप से आज देखा जाए तो आप पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे, तो कुल मिलाकर दिन बेहतर है। लोन्स के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आज का दिन बेहतर रहेगा। इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से भी दिन बेहतर दिखाई दे रहा है। उपाय की बात की जाए तो आप लोगों के लिए आज बड़ के पेड़ के पत्तों पर अपनी जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपकी मनोकामना है, वो लिख करके किसी बहते हुए पानी में आप बहा दीजिए। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि आपके आसपास कोई बहता हुआ पानी या ऐसी जगह आप नहीं जा सकते हैं, तो आज हनुमान जी के चरणों में भी अपनी बात कह करके भोजपत्र पे अपनी जो मनोकामना है वो लिख करके हनुमान जी के चरणों में भी रखेंगे, तो उससे भी आपकी जो सोचे हुआ काम है, जो आपकी मनोकामना है, वो ज़रूर पूरी होगी। चलिए आगे बात करते हैं कर्क राशि। टेन ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइन ऑफ पेंटाकल्स कार्ड निकल रहा है। आज का जो दिन रहेगा वो आपके स्वजनों के साथ, आपके जो मित्र हैं, आपके जो शुभचिंतक हैं, उनके साथ आप बता सकते हैं। खास तौर पे व्यापार में लाभ होने की संभावनाएं तो बन रही हैं, लेकिन अगर बात करी जाए आपके पार्टनर्स की, तो उनके साथ तालमेल थोड़ा सा बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ सकती है। किसी भी तरह की ट्रैवलिंग के बारे में अगर प्लान आउट करें तो सबसे पहले अपनी सेहत को ध्यान में रख करके चलेगा। जो लोग मार्केटिंग के लाइन से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को आज थोड़ा सा मे बी आप लोग अगर इंटरव्यूज अपने प्लान अप करें, किसी तरह का बदलाव सोच रहे हैं, तो आज थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। सामाजिक रूप से मान सम्मान मिलेगा, सरकारी क्षेत्र से भी कोई ना कोई लाभ हो सकता है। लाल पुष्प आज गणपति जी को चढ़ाएंगे तो आपका सोचा हुआ काम या आपके अधूरे काम या काम में अगर डिले आ रहा था, ये चीज़ें खत्म होंगी। सिंह राशि, एस ऑफ पेंटाकल्स एंड द डेविल कार्ड निकल रहा है आप लोगों के लिए। आज जो है मानसिक रूप से थोड़ा सा मन में व्यक्त रह सकता है, किसी तरह की बात जो है वो आपको चुभ सकती है। मन कहीं ना कहीं पे बातों को लेकर के विचलित रहेगा, थोड़ी सी एंग्जाइटीज़ बढ़ेंगी, लेकिन दैनिक कार्यों की बात करी जाए तो उसे आप समय पर पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। व्यापार में जो आपके सहयोगी हैं, जो आपके खासतौर पर कलीग्स हैं, उनकी तरफ से आपको पूरा पूरा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन एक्सपेक्टेशंस में भी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। हेल्थ इशूज़ को लेकर के केयरफुल रहेगा, सिंह राशि वालों को आज गुड़ का दान करना अच्छा रहेगा। कन्या राशि की बात कर लेते हैं, वर्गोस के लिए कार्ड निकल रहे हैं द एम्परर एंड द हाई प्रीस्टेस, तो आप लोगों के लिए विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा सा कठिन दिखाई दे रहा है। हालांकि संतान की वजह से आज थोड़ी बहुत चिंताएं रहेंगी, उनके एटीट्यूड उनके बिहेवियर को लेकर के आज थोड़ा सा परेशान रहेंगे। शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट्स करें थोड़ा संभल करके चलिए, आज हो सके तो इन्वेस्टमेंट्स मत कीजिएगा। मन में खिन्नता रहेगी और कहीं ना कहीं पर दूसरों की वजह से आज थोड़ी बातों को लेकर के परेशान हो सकते हैं। आप कोशिश करेंगे, अगर आप एक ऊपर के स्तर से सोच का प्रयास करेंगे या लोगों को एक तरह से आप फॉरगिव करने का प्रयास करेंगे तो आज चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। खासतौर पे कोशिश करनी है आज फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर के बहुत ज़्यादा गुस्से में नहीं आना है आपको, नहीं तो चीज़ें बिखर सकती हैं। लाल कलावा अपने हाथ पर बांधना आज अच्छा रहेगा, यानी कि रक्षा सूत्र का आज बांधना अच्छा रहेगा। और कोशिश कीजिएगा अगर आपके घर में आपकी मदर हो या सिस्टर हो, किसी भी फीमेल से बंधवाना आज आपके लिए बेहतर है। लिब्रंस के लिए कार्ड निकल रहे हैं द सन एंड द सेकंड कार्ड इज़ द व्हील ऑफ फॉर्चून। आप लोगों के लिए आज देखा जाए तो फाइनेंशियली चीज़ों को सिक्योर करते हुए नज़र आ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से दिन आज अच्छा दिखाई देगा। अपनी मदर की हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा कॉन्शियस रह सकते हैं। रियल एस्टेट से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उसको थोड़ा सा सावधानी से आप अगर सिग्नेचर उस पर करना पड़ता है तो थोड़ा सावधान रहेगा। प्रवास से संबंधी अगर मुश्किलें हैं तो उसमें कोशिश कीजिएगा आप अपनी तरफ से पूरी पूरी मेहनत करें, या कोई भी कंसर्न पर्सन है उनसे राय मशवरा आप ज़रूर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा। पारिवारिक वातावरण जो है वो बैलेंस रहेगा, उसमें जो अब तक वाद विवाद चल रहे थे वो खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। आज के दिन में आपको करना ये है, सुबह उठ करके सूर्य को जल देना आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही में आज सुबह के समय में ही आपको लाल रंग के पुष्प गणपति जी को चढ़ाना भी अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्कॉर्पियोज की। पेज ऑफ पेंटाकल्स एंड द मैजिशियन रिवर्स कार्ड निकल रहा है। नई चीज़ों की शुरुआत हो सकती है, कोई भी नया ऐसा कार्य जो कि खासतौर पर अपार्ट
अपार्ट फ्रॉम योर वर्क हो, यानी कि आपके कामकाज से एक नया सोर्स ऑफ इनकम आपकी लाइफ में आ जाना हो सकता है। पूरे दिन भर प्रसन्नता बनी रहेगी, लेकिन साथ ही साथ में अपने बच्चों की तरफ से भी थोड़ी बहुत एंग्जाइटीज़ या टेंशन हो सकती हैं उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर के, उनके बिहेवियर को लेकर के, या मे बी जो कम्युनिकेशन गैप काफ़ी दिनों से आ गया है उसकी वजह से भी। आर्थिक लाभ तो रहेगा, साथ ही में भाग्य वृद्धि के योग भी नज़र आ रहे हैं। छोटी मोटी जगह के लिए आप लोग ट्रैवलिंग कर सकते हैं, यानी कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग जो है वो आज नज़र आ रही है। आज कार्यों में सफलता रहेगी। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप 108 बार करना है, रुद्राक्ष की माला से करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अब सैजिटेरियंस की, यानी कि धनु राशि। कार निकल रहे हैं आपके लिए द जस्टिस एंड द वर्ल्ड। तो आज के दिन में मन में कन्फ्यूजन यानी कि दुविधाएं जो है वो लगी रह सकती हैं। पारिवारिक वातावरण जो है वो वाद विवाद से एक बेहतर स्थिति की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर बात करी जाए किसी भी काम की, यानी कि वर्क प्लेस पर अगर सीनियर्स आपको कोई सलाह मशवरा दे रहे हैं, आपको कोई काम के लिए कह रहे हैं, तो आज निर्धारित कार्य को समय पर पूरा होने की वजह से मन में हर्ष भी रहेगा। साथ ही साथ में नया काम शुरू करने के लिए एक सेल्फ मोटिवेशन भी रहेगा आपके अंदर। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से लेकिन आपको बचना है, क्योंकि जैसे मैंने कहा डाउट्स की या कन्फ्यूजन की स्थितियां बन रही हैं, तो कोशिश कीजिएगा आज के दिन में कोई भी बड़ा फैसला आप लोग नहीं करें। इसके अलावा उपाय आपको ये करना है, आज संध्या काल के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना अच्छा रहेगा। बात करते हैं मकर राशि, कार्ड निकल रहे हैं एस ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स कार्ड है। तो आज के दिन में सुबह से ही आप सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे। इसके अलावा जो लोग व्यापारी हैं उन लोगों के लिए खासतौर पे फिनेंशियल इश्यूज को क्लियर करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। आफ्टर 12 नून आप लोगों के लिए समय ऐसा रहेगा कि आप लोग इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोच सकते हैं, पुराना रुका हुआ जो पैसा है वो आपको वापस मिल सकता है। अगर किसी नई वेंचर के बारे में सोच रहे हैं, नई डील्स के बारे में सोच रहे हैं, तो आज का दिन बेहतर रहेगा। और खासतौर पर इवनिंग का टाइम आपके लिए ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहेगा। ट्रैवलिंग की बात करी जाए तो आज का दिन जो है ट्रैवलिंग के लिए आपके व्यापार के लिहाज से बहुत अच्छा हो सकता है। व्यावसायिक और व्यापारिक स्थान पर आपका प्रभाव जो है आज बना रहेगा। शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल चढ़ाना है। इसके अलावा काले तिल का दान करना आज अच्छा रहेगा आपके लिए। कुंभ राशि की बात करते हैं, द स्टार एंड टू ऑफ पेंटाकल्स कार्ड निकल रहा है। परिजनों के साथ आज कलह कलेश होने की संभावनाएं बन रही हैं, थोड़ा सा कॉशियस रहेगा और हो सके तो आज गुस्से पर काबू करके चलेगा। धन के लेन देन में या फिर आप लोग इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से जो सोच रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। अदालती कार्यवाही यानी कि कोर्ट कचहरी का अगर कोई मामला है तो उसमें भी आपको संभल कर चलने की ज़रूरत है, और डॉक्यूमेंट्स को अपने संभाल करके रखिएगा। आज डॉक्यूमेंट्स किसी भी तरह के इधर उधर होने से या किसी खो जाने की वजह से भी आज टेंशंस बढ़ सकती हैं। खर्च की मात्रा आज बढ़ेगी और ख़ासतौर पर घर के रिनोवेशन के बारे में या घर के सजो सजावट की चीज़ों के बारे में आज धन खर्च हो सकता है। उपाय क्या करना है, रोटी पर गुड़ रख करके गाय को खिलाना आपके लिए अच्छा रहेगा। मीन राशि, पेज ऑफ वॉन्स एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स कार्ड निकल रहा है। आप लोगों के लिए आकस्मिक धन लाभ की संभावनाएं बन रही हैं। संतान के विषयों में आज कोई ना कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। पुराने मित्रों से मुलाकात होगी। व्यापारिक क्षेत्र में एक्सपेंशंस नज़र आ रहे हैं आप लोगों के लिए। किसी भी ऐसे धार्मिक स्थान की यात्रा के बारे में आप लोग सोच सकते हैं। सूर्य के मंत्रों का जाप करना आज आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही में सूर्य को तांबे के लोटे से जल आज ज़रूर चढ़ाएगा। और आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए आप लोग एस्ट्रो तक के साथ।